नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर आपका एक बार फिर से आपके परिवार देव चौधरी की पाठशाला में। तो आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर। सर्वप्रथम कैलेंडर होता क्या? कैलेंडर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से तिथि एवं बारों का अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान में ये जो हम तारीख देखते हैं जैसे 18/6/2020, ये ग्रेगेरियन कैलेंडर होता है। इस ग्रेगेरियन कैलेंडर का निर्माण रोम देश के 13वें पोप ईसाई धर्म गुरु के द्वारा किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से तिथि एवं बार का अनुमान लगाया जा। तिथि एवं बार का अनुमान लगाया जाता है। जैसे ये ग्रेगेरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत होती क्या है? विक्रम संवत ये होती है जो बढ़िया है इसे को लिखते हैं विक्रम संवत। जैसे वर्तमान में 2070 विक्रम संवत चल रहा है। तो ग्रेगेरियन कैलेंडर ग्रेगेरियन और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। जैसे वर्तमान में कौन सी विक्रम संवत चल रही है, ये 2020 में 57 ऐड कर देगा 2070। जैसे 2019 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा था ये याद करने के लिए 2019 प्लस 57 2076। जैसे 2010 में कौन सा विक्रम संवत था ये याद करने के लिए 2010 प्लस 57 2077। इस प्रकार विक्रम संवत और ग्रेगेरियन कैलेंडर में 57 वर्ष का अंतर होता है। इसी प्रकार ग्रेगेरियन कैलेंडर और साके संवत में 78 वर्ष का अंतर होता है। वर्ष का अंतर होता है। जैसे वर्तमान में 2020 में कौन सा साके संवत चल रहा है ये ज्ञात करने के लिए हम 2020 में से 78 घटाएंगे। 10 में से 8 गए 2, 11 में से यहाँ बचेंगे 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 1। यानी 2020 में 1942 साके संवत चल रहा है। अब बात करेंगे साके संवत और विक्रम संवत में साके संवत और विक्रम संवत में Thank you.
57 प्लस 135 वर्ष का अंतर होता है, 135 वर्ष का अंतर होता है। जैसे 1942 साके संवत में कौन सा विक्रम संवत है ये ज्ञात करने के लिए 1942 में हम 135 जोड़ेंगे। 135 जोड़ने पर 5 2 7, 4 3 7, 9 10, 10 की 0, 2, 2076 विक्रम संवत चल रहा। इस प्रकार विक्रम संवत साके संवत पूरे हुए। सम अब लिखेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। प्रथम दिन सोमवार होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसी प्रकार एक पखवाड़े या पाक्षिक में 15 दिन होते हैं। एक पखवाड़े पाक्षिक में 15 दिन होते हैं। एक महीने में 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। अट्ठाईस, 29, 30 और 31 दिन होते हैं, होते हैं। अट्ठाईस और उनतीस दिन केवल फरवरी माह में होते हैं। साधारण वर्ष में तीन सौ 65 दिन होते हैं, यानी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब 50 वर्ष के समूह को आप करेंगे, हम 50 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं, 25 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं, 60 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं, 100 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं। 100 वर्ष के समूह को शताब्दी कहते हैं।
100 वर्ष के समूह को शताब्दी कहते हैं, 50 वर्ष के समूह को गोल्डन कंपनी कहते हैं। मंजूरी कहते हैं। इसी प्रकार 25 वर्ष के समूह को सिल्वर जुबली कहते हैं। जयंती तो दोस्तों अभी ये कैलेंडर समाप्त नहीं हुआ है, ये तो थोड़े ही से कैडिंग है, कैलेंडर बहुत बड़ा है, बाकी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण वीडियो यही रोक दी जाती है।